श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन श्रवण करेंगे कि जो भक्तजन भगवान के शरणागत होकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो भगवान उनके हर मैदान फतेह करते हैं और हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, भगवान श्याम सुंदर के भक्त कवि सूरदास जी ने भगवान की कृपा दृष्टि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम सुंदर भगवान शरण में जाने पर मेरे प्रभु ने किस किस को नहीं उबारा है, किस किस को नहीं तारा है। जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ा उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन को संभाल लिया। अम्बरीश पर दुर्वासा ने क्रोध किया था, प्रभु ने दुर्वासा के शाप को दूर किया। ग्वालों के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। प्रहलाद भक्त पर कृपा की और खंभे को फाड़ कर निकले। नरसिंह रूप धारण करके दयालु प्रभु ने किशन में ही नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को फाड़ डाला। ग्रह जब गजराज के को मार रहा था, गजराज को ग्रस कर जल में डुबो रहा था तो उसने प्रभु का नाम स्मरण किया और तब उन्होंने उसके दुख को दूर किया। उन्होंने रंगभूमि में कंस को पछाड़ दिया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण भगवान के बिना कौन इस प्रकार के कार्य कर सकता है, कौन ऐसे भक्तों की रक्षा कर सकता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, सूरदास जी का सरस मधुर और ललित पद श्रवण करें। शरण गए को कौन उभार्यो, जहाँ जहाँ भीड़ परी भगतनि को, चक्र सुदर्शन तहाँ संभार्यो, महाप्रसाद भयो अम्बरीश को, दुर्वासा को साप नवार्यो, ग्वारन हेतु धर्यो गोवर्धन, परगट इंद्र को गर्भ परहार्यो, कृपा भई प्रहलाद भगत को, खंब फारी
उर नख ही बिदार्यो नर हरि रूप धर्यो कृपा करी सिनक माही हिरणा कुश मार्यो ग्रह ग्रस्त गज को जल भीतर नाम लेत वाको दुख हार्यो ग्रह ग्रस्त गज को जल भीतर नाम लेत वाको दुख टार्यो सूर श्याम बिन और करी का रंग भूमि में कंस पसार्यो सरन गए को कौन उबार्यो जहां जहां भीड़ परी संतनी को चक्र सुदर्शन तहां संभार्यो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय।